इस बीच बड़ी खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां बीमारी से तंग आकर एक बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली। पत्नी को जहर देने के बाद खुद को आग के हवाले किया। बीमारी से परेशान होकर बुजुर्ग ने ये कदम उठाया है। हल्द्वानी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुखानी थाना क्षेत्र में बीमारी से तंग आकर एक बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली। पत्नी को जहर देकर खुद को आग के हवाले किया। हल्द्वानी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीमारी से परेशान होकर बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली है। पत्नी को जहर देने के बाद खुद को आग के हवाले किया। बीमारी से परेशान होकर बुजुर्ग ने ये कदम उठाया है। हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र की घटना आपको बता रहे हैं, जहां बीमारी से तंग होकर बुजुर्ग ने पत्नी को जहर देकर खुद को आग के हवाले किया। संवाददाता अंकित शाह ऑनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अंकित, जैसा कि बीमारी से तंग आकर बुजुर्ग आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया, क्या किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली बुजुर्ग को? देखिए शिका, आपको बताते कि जो मामला सामने अभी आया है, ये मुखानी के पीलीकोड़ी क्षेत्र का है। और जो जिस तरह से आपको बताते कि जो बुजुर्ग है उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया, उन्होंने दोनों की मौत हो गई है। और जो जो बातें सामने निकल के आ रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो बुजुर्ग की वाइफ थी वो काफी दिनों से बीमार थी और हार्ट की पेशेंट थी, काफी दिनों से बीमार हो रही थी। इसके चलते उन्होंने आत्महत्या का कदम उठाया है। पहले उन्होंने अपनी पत्नी को जहर किया, उसके बाद गैस सिलेंडर में आग लगाकर खुद को अपनी जान दे दी। जी शिखा जी अंकित, क्या प्रशासन की तरफ से भी बुजुर्ग दंपति को कोई मदद नहीं मिली? देखिए अभी जो प्रशासन की बात करें या सरकार की बात करें, अभी ऐसा कोई मामला नहीं है, क्योंकि जो बातें वहाँ के लोग, क्षेत्र के लोग वहाँ पर बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ये लोग अंधेरे रहते थे और काफी दिनों से ये बीमार थे। इसके बारे में उन्हें न सरकार को इतना की है, इसके खातिर अभी ये जो इन्होंने कदम उठाया है, ये भी रहस्य में रह गया कि इन्होंने कदम आखिर कैसे उठा दिया। फिलहाल पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, उसके बाद ही पता लगा कि आखिर ये कदम क्यों उठाया है। जी अंकित, जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका। तो हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में बुजुर्ग ने बीमारी से तंग आकर पत्नी को जहर देने के बाद खुद को आग के हवाले किया।